क्या ज्यादा गर्मी होने से आपकी किडनी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है? आइए जानते हैं। गर्मियों के मौसम में मेन जो दिक्कत आती है वो है डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन कैसे होती है? पानी कम पीने से, ज्यादा स्वेटिंग होने से। अगर पसीना ज्यादा आ रहा है तो शरीर से पानी की लॉसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम पानी कम पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो क्या डिहाइड्रेशन से किडनी को कुछ नुकसान पहुंचता है? नंबर 1, अगर आपको गुर्दे की पथरी की बीमारी है, अगर आपको किडनी स्टोन्स बार बार होते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी स्टोन्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए गर्मियों के मौसम में जो स्टोन पेशेंट्स हैं, किडनी की पथरी के जो दर्द हैं, ऐसे पेशेंट्स की विजिट हॉस्पिटल में बढ़ जाते हैं। दूसरे जो प्रॉब्लम होते हैं, जिन लोगों की किडनी कमजोर है, जो क्रॉनिक किडनी फेलियर के मरीज हैं, जिनका की क्रिएटिनिन वैल्यू ज्यादा है, उन लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, तो डिहाइड्रेशन से बचें। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में पानी लेना चाहिए। हाँ, आपको ये सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। जितना की प्रिस्क्राइब्ड मात्रा है आपको पानी की, जितना की आपको सजेस्ट किया गया है पानी, उतना ही लेना है। ज्यादा पानी लेने से किडनी फेलियर में आपको नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे? किडनी जो है वो ऑलरेडी आपके शरीर से पानी निकाल नहीं पाती है। अगर हम बहुत ज्यादा पानी लेंगे, जरूरत से ज्यादा पानी लेंगे, तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो आपके फेफड़ों में, लंग्स में जमा हो जाता है, और उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में तो प्यास लगती है, तो फिर कैसे किया जाए, वो कैसे मैनेज किया जाए? तो एक बारी में बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, एक एक घूंट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पूरे दिन की लिमिट है कि 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लेना है, तो प्यास लगने पर 1-2 घूंट ही लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं धूप में, तो हैट पहनिए ताकि आपको गर्मी कम लगे। दूसरा, एक गीला कपड़ा या रुमाल जो है अपनी गर्दन के आसपास लपेट सकते हैं, जिससे कि आपको गर्मी कम लगे। तीसरी चीज, पानी की एक स्प्रे बॉटल, जिसके आगे स्प्रे लगा हुआ हो, ऐसी बॉटल आप साथ में कैरी करें। जब आपको प्यास लगे तो आप अपने मुंह में स्प्रे करके उसको, मुंह को गीला कर सकते हैं, ताकि बहुत ज्यादा प्यास ना लगे। तीसरी चीज, गर्मियों के मौसम में काफी लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। जिन लोगों को डायलिसिस का कैथेटर लगा हुआ है, पेरिटोनियल डायलिसिस का कैथेटर, यानी कि पेट में एक नली डली होती है जिससे कि डायलिसिस किया जाता है, उन लोगों को अगर स्विमिंग में जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऐसी ड्रेसिंग लगा करके जाएं जो कि वाटर प्रूफ हो, जिससे कि वो कैथेटर गीला ना हो। बहुत ज्यादा गीला होने से, स्विमिंग पूल के पानी से गीला होने से, आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है उस डायलिसिस कैथेटर के रास्ते। तो जब भी आप स्विमिंग के लिए जाएं, साफ सुथरी जगह पे जाएं। दूसरी चीज, उसके ऊपर ऐसी ड्रेसिंग रखें जो वाटर प्रूफ है। और तीसरी चीज, जब स्विमिंग करके वापस आएं तो उसको आप रिमूव करके चेंज कर लें ड्रेसिंग को। चौथी चीज, समर हॉलीडेज होते हैं, लोग ट्रैवल का मन करता है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस आमतौर पे हफ्ते में 2 या 3 बार चलता है, तो अगर आप दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ऐसे अरेंजमेंट्स करके रखने पड़ेंगे कि जहाँ पे आपका डायलिसिस का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेंगी। फिर होता है कि समर्स के अंदर हीट स्ट्रोक के कारण, अगर हीट स्ट्रोक होती है तो उसके कारण मसल्स में डैमेज हो सकता है। वो मसल्स डैमेज जो हैं किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो अगर आप समर्स में जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, मैराथन्स के लिए जा रहे हैं, तो आप श्योर कीजिए कि आप ट्रेंड हो उस चीज के लिए। आप ग्रेजुअली अपना स्टेमिना बिल्ड करें ताकि एक साथ आप एग्जर्ट ना हो, एग्जर्शन ना हो, हीट स्ट्रोक ना हो, और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो। स्टोन्स की बनने की प्रक्रिया कैसे कम करें, कैसे प्रिवेंट करें कि गर्मियों में स्टोन्स की फॉर्मेशन कम हो? एक तो पानी ज्यादा पीना है, दिन में कम से कम 2.5 लीटर पानी पीना है। यूरिन साफ रंग का आना चाहिए। अगर यूरिन येलो कलर का आ रहा है या बदबूदार आ रहा है, उसका मतलब डिहाइड्रेशन है। तो पानी उस हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ा दें। खाने पीने में नमक कम करें, नॉन वेजिटेरियन फूड, चाय, पालक, चकुंदर, ड्राई फ्रूट्स,
इन सब चीजें के ज्यादा सेवन से स्टोन्स की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो गर्मियों के दौरान पानी ज्यादा और नमक कम करें, और लेमन जो है, नींबू जो है, वो स्टोन्स में बेनिफिट है उस चीज का, स्टोन्स की वो बनाने के चांसेस और रेट कम कर देता है। तो आप पानी के अंदर एक लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं। हाँ, उसके अंदर आप चीनी और नमक ऐड ना करें, क्योंकि चीनी और नमक दोनों ही स्टोन फॉर्मेशन प्रमोट करता है। तो दोस्तों, समर्स में अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लें, तो समर्स की वजह से जो डिहाइड्रेशन होती है, शरीर में पानी की कमी होती है, उसकी वजह से किडनी को नुकसान नहीं पहुंचेगा या कम से कम होगा। तो ये प्रिकॉशंस अपने आप दिमाग में रखें, हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का, अपने साथ पानी कैरी करें और बीच बीच में अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें। थैंक यू दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली से।